बिल्कुल आपने सही कहा, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ आने वाले हैं। इस समय मैं टेल अविव के इलाके में हूँ और मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैयार है, मल्टी टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, कुछ ही दूरी पे होटल है जहाँ पे वो आज बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलने वाले हैं और वहां पे उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने वाले हैं कि होस्टेज क्राइसिस को किस तरीके से एंड किया जाए, जो होस्टेज जिन लोगों को बंदी बनाया उसको उनको किस तरीके से रिहा किया जाए। उसके अलावा वो परिवार के सदस्यों से मिलेंगे जिनके परिवार के लोगों को बंदी बनाया गया और उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके जो करीबी थे, जिनने जान गंवाई है अपनी हमास के उस अटैक में जो अक्टूबर 7 को लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं पूरे इलाके को, मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से, ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार है, हो सकता है घंटे या दो घंटे तक यहां पे जो बाइडेन आएंगे और यहां पे मीटिंग होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन एक चीज पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे थे, जैसे हमारे अभी पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, क्योंकि अमरीका की पूरी कोशिश थी नॉर्मलाइज हालात करने की अरब वर्ल्ड के बीच में और इसराइल के बीच में। हमास उसके बीच में हमला करता है और हमास लगातार यही चाह रहा था कि सिविलियन कैजुअल्टी हो, लेकिन जो गाजा के अंदर जो अस्पताल पे अटैक हो जाता है, हालांकि उस पर काफी ब्लेम गेम शुरू हो गया। IDF का कहना है कि उनका मिसफायर हुआ है, रॉकेट है जो अस्पताल पे आके लगा है, लेकिन फलस्तीन में बैठे हमास के लोगों का कहना है कि नहीं, ये इनके एयर स्ट्राइक की वजह से है जो 500 लोग मर गए। और देखिए किस तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहता ही था शुरू से कि सिविलियन कैजुअल्टी हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर वो बता पाए कि किस तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसे फायदा हो रहा है, क्योंकि वो आक्रोश होगा वो तभी तो ये मुस्लिम देश जो है यूनाइटेड होंगे, क्योंकि जो जॉर्डन में समिट होने वाला था फिलहाल वो कैंसिल हो गया। जो बाइडेन अब जॉर्डन नहीं जाएंगे क्योंकि जॉर्डन के लिए भी मुश्किल होगा इस समय ऐसी किसी वार्ता के लिए और मीटिंग के लिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट होंगे, किस तरह से डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो मिलता है। लेकिन प्रदीप एक और चीज ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जो बाइडेन यहां पर पहुंच तो रहे हैं, लेबनन में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर भी अटैक करके उसे पूरी तरह से आके हवाले कर दिया गया। ये एक तरह से जो बार बार धमकी का इंपैक्ट है क्या वो देखा जाए। फिलहाल जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पर मैं आगे चर्चा करूं, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन बड़ी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।